मतलब साड़ी पहनने से क्या होता है, दूसरा सारा सब कुछ तो अपने ठिकाने पे है। सुहागराज पे उन्होंने आपका घूंघट खोला कि आपने उनका घूंघट खोला? सुहागरात में इस तरह का ड्रेस थोड़े पहने, शादी में तो लोग नए कपड़े दूसरे स्टाइल मॉडल में पहन के जाते हैं, हम भी दूसरा स्टाइल मॉडल पहन के गए थे। कहाँ पहना था? वो लड़कों वाला ड्रेस पहन के शादी की। बुरा लगता है कि एक बिस्तर पे आप दोनों सोए हैं? सोते समय साड़ी उतार लेते हैं, साड़ी पहन के थोड़े लोग सोता है, इतना कीमती साड़ी और सोते समय पहनेंगे तो साड़ी खराब नहीं हो जाएगा? शादी में आपकी बीवी को पता था कि आपको ये सब शौक है औरतों की तरह कपड़े पहनने का? जी पता था। तो आपने क्या उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर दी? काहे बर्बाद किए, तो थोड़े हम औरत थोड़े हैं उसकी जिंदगी बर्बाद किए, तो मेरा शौक है, साइकोलॉजिकल माइंड है थोड़ा बहुत, तो ऐसा कर लेते हैं जो 10 पब्लिक हमको देखे मेरे और अट्रैक्शन हो उससे थोड़ा सा हम भी मजा ले, हम भी मजा दे दे बात करके। आप तो बड़े मजे लेते हो। सुहागरात पे कहाँ गए? सुहागरात में लोग कहाँ जाता, रूम में जाता, और कहाँ गए? नहीं नहीं, हमें थोड़े आपके किस्से बताओ। घर में गया, बात किए लड़की अपनी वाइफ से। उसके आगे क्या किया? उसके आगे क्या? उसके आगे जो दुनिया, अरे पॉइंट पे आना बाबा। क्या किया? उसके आगे जो दुनिया करती है वही की। क्या क्या बताओ? मैं मेरे कान तरस है सुनने के लिए, बताओ। सुहाग रात मना यार, क्या करना? हाय हाय। तो भाई चलिए पूछते हैं आपकी बीवी से, तो फूल बाबू की बीवी, आपका स्वागत है मेरे शो में, मैं तो तड़प रही हूँ आपको देखने के लिए। कब पता चला तुम्हें कि आपके पति पति है? स्वागत मनाए ना, तब पता चला कि इनको पति है। आप इनको प्यार करते हैं? प्यार करते तब ना तोहफा दी है 7 महीने का। एक दिन आपने ऐसा क्या पी लिया कि ये हो गया कांड? ये तो कुदरत का करिश्मा है। बाबू की कहानी, जिनको पसंद है लड़कियों की तरह सजना और सवरना। ये लड़की के कपड़े पहनने का शौक आपको कब से शुरू हुआ? मैट्रिक के बाद इंटर में, जब कॉलेज में नाम लिखा ना इंटर कॉलेज में, हाँ। तब से। तब से जी। साड़ी पहनने से क्या होता है, दूसरा सारा सब कुछ तो अपने ठिकाने पे ठिकाने है। क्या कहती है फूल बाबू की पत्नी उनके इस रवैये के बारे में, आइए देखते हैं। जी आपका स्वागत है, आइए बैठिए। ये सुहाना दीवाना मस्ताना नजारा सिर्फ मेरे गजब के देश और इस गजब के शो में ही देखने मिल सकता है आपको। जी मैडम, आपका नाम क्या है? सीमा देवी। सीमा देवी, हाँ। भाई मुबारक हो, आप गर्भवती हैं? हाँ। आप माँ बनने वाली है? हाँ। तो मतलब अभी फूल बाबू ने साबित कर दिया कि सब कुछ ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आ गया, तो एक दिन आपने ऐसा क्या पी लिया कि ये हो गया कांड? ये जानना जरूरी है दोस्त कि क्या पी लिया उस दिन ऐसा, सच बताओ। ये तो कुदरत का करिश्मा है। तो ये बताइए सीमा देवी कि आपके पति को लड़कियों के कपड़े पहनने में क्या मजा आता है? उनको अच्छा नहीं लगते।
आपको अजीब लगता है? हाँ, उनको बुरा लगता है। बुरा लगता है? हाँ। आप कभी शिकायत की या कभी रूठी आप इनसे? हम बहुत रूठी थी। हाँ, मना करती हूँ, झगड़ा झटी करती हूँ, नहीं मानती हूँ। नहीं मानती? नहीं। लोग क्या कहते हैं? अच्छा लगता है उसको तो पिन्ने दीजिए, आदमी कर रहे तो पिन्ने दीजिए। आप समझाई क्या कह रही है ये? अगल बगल के आसपास पर उसके जो लोग हैं बोलते क्या होगा, पहनने दीजिए आप। ये जो जब अभी आई साड़ी पहनने से थोड़े लड़की हो जाता है, थोड़े कि लड़का है तो लड़के रहेगा। आपको इस बात की काहे टेंशन है? तो आप बताओ, आप आपके हिसाब से आप दोनों में से कौन अच्छा दिखता है साड़ी पहनने के बाद? ये अच्छा लगते है। तो ये बताओ, आप दोनों में से साड़ी जल्दी कौन बांध लेता है? ये बांध लेता है। ये भी कुदरत का कैसा चमत्कार है ना? आपके स्वागत पे क्या हुआ था बताइए? स्वागत मनाए तो मनाए थे। हाँ। कब पता चला तुम्हें कि आपके पति पति है? पति है, 2 महीने के बाद जब स्वागत मनाए ना तो पता चला कि हमको पति है। सुहागरात मनाए तब आपको पता चला? हाँ। तब खुशी हुई अंदर? हाँ। क्या खुशी हुई आप बताओ। चलो साड़ी उड़ी पहन लेते तो 2 महीना ही बात भी उतना ही करती थी हमसे। 2 महीना बाद? 2 महीना टाइम लगा इसको हमको पहचानने में जी, कि हम लड़का है कि लड़की है। हाँ जी। तो सीमा, आपको जब पता चला कि लड़की के कपड़े पहनते हैं तो आपने इनके घर वालों से बात की? नहीं, 2 महीने घरों वालों से बात नहीं की। नहीं की? नहीं। किसी से? गुस्सा से बात नहीं की। तो गुस्सा होकर बैठ गई कि अब मेरा क्या होगा ऐसा? दूसरे रूम में सोती थी। हैं? हाँ, मेरे आपके साथ नहीं? नहीं रहती थी। तो फिर हम जिससे शादी हमारी जो मौसी करवा दी, तो फिर गए मौसी यहाँ गए, फिर दोनों आदमी तो वहाँ पर गाँव घर मौसी उसी चीज सब बोला किस नहीं, बोले ऐसी लड़की से हम इसको शादी किए तो इसको हम नहीं रखेंगे। हाँ। तो इसको हम छोड़ देंगे, जब मेरे पास ही नहीं रहेगी मेरा बाल। आपने बोला ऐसा? हाँ, हम बोले मेरा बाल बच्चा है, कोई जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा तो शादी करके कोई फायदा है थोड़े, हम इस लड़की को छोड़ देंगे, हम दूसरा शादी। आपने बोला ऐसा? हाँ। फिर तब सब जाके सब डांटी उठी, समझाई उमझाई, सब प्रेशर दी। तो उसके बाद फिर साथ रहते सहते 5 दिन 10 दिन में परख जान पहचान हो गया कि हाँ। आप इनको प्यार करते हैं? जी। कितना? जितना एक पति अपनी पत्नी से प्यार करता है उतना। प्यार करते तब ना तोहफा दिए हैं 7 महीने का। आज की डेट में तो लड़कियां भी जींस पैंट पहनती है, आप जींस पैंट क्यों नहीं पहन लेते? जींस हमको अच्छा नहीं लगता। आपको क्या अच्छा लगता है? फ्री साइज कपड़ा, फ्री जैसे घाघरा उगरा लहंगा, फ्री साइज खुला खुला जैसे आप पहनी हुई है। फूल बाबू एक बात बताओ, तो ये सब एक्सपेंस है आपका, साड़ी ज्वेलरी मेकअप, ये पैसा कहाँ से आता है? जैसे शादी विवाह कोई पार्टी फंक्शन जाते नाचने के लिए तो जिसको अच्छा लगा वो खुशी से दे दिए पैसा। तो आप शादी ब्याह में नाचते हैं? जी। क्यों नाचते हैं, क्यों परफॉर्म करते हैं? अच्छा लगता है हमको, मन खुश होता है नाचते हैं। इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी आप नाचते हैं, कभी आपने सोचा कि आप नौकरी करें? तो इतना पढ़ाई लिखाई क्यों किया? साइकोलॉजी के डॉक्टर हैं तो कहीं भी जाएंगे तो बोले कुछ भी है, साड़ी पहने चाहे जींस पहने, आखिर तो डॉक्टर की उपाधि ले लिया है। कहीं भी कुछ करेंगे लोग तो बोले आखिर डॉक्टर फूल बाबू है। तो फूल बाबू, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जी। जिंदगी अपनी मर्जी से जीना अच्छा होता है, मगर अपने परिवार को साथ में लेकर चलना जरूरी है। जिंदगी बिंदास होके जियो जी, खाओ पियो और ऐश करो। ऐश करो। तो सीमा की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता, मगर प्रॉब्लम ये है कि उसका पति उसे साड़ी पहनकर प्यार करता है। करता है। सही है सीमा? हाँ।
तो फूल और सीमा आप दोनों आपस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, आप दोनों खुशी रहो। तो भाई आप सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई किसको कब क्या अच्छा लगे ये कोई भी नहीं बता सकता। भाई अब फूल बाबू को साड़ी पहनना अच्छा लगता है तो भाई अपने मन को मार कर कोई कैसे खुश रह सकता है। इसलिए वही करो जो आपका मन करे। इसी तरह और भी मजेदार मसालेदार कहानियाँ आपके लिए लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आज तक इसने मुझे कभी माँ नहीं कहा है। जब मैंने माँ को माँ ही नहीं माना तो उसकी बातें क्यों सुनूं मैं? हर चीज कैसे करती माँ, हमें खाना देती है, प्यार देती है। दिन रात मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया, आज तक का खर्चा उठाती है। आपने उसको घर से बाहर निकाल दिया? हाँ बाहर निकाला इसको, क्यों? बाल बढ़ाया इसलिए बाहर निकाला, खाने के लिए नहीं दिया। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन फिर बाल बढ़ाया तो पुलिस स्टेशन गए पूजा करने का उसका। अभी क्या लोगों को बोलने का काम तो लोगों का है, सुनने का काम अपना है।